आपका कोई रिश्तेदार भारत पे है? आए कौन? राघव मुरादाबादी। राघव मुरादाबादी तो पाकिस्तान में है। गवा गए। अब वो आ गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उनको वहीं रहना चाहिए था, मुरादाबाद में। खैर आ गए हो, फोन नंबर है उनका, दे देना। दोनों मुल्कों के अवाम चाह रहे हैं कि अमन कायम हो, दोस्ती हो, दोस्ती की फिजा हो। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कायम है, पीपल्स पार्टी के अली शाह। वो इतना परेशान कायम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बहुत शरीफ आदमी है, बहुत अच्छा। मैं दोस्ती और भाईचारे की फिजा कायम की बात कर रहा था। हाँ, एक बात इसे बताता हूँ। देखो, 1000 डेलीगेशन जाए, 4000 डेलीगेशन वहाँ से आए। हाँ, वो जब तक दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स और दोनों मुल्कों की अफवाज संजीदगी से अमन कायम करने की कोशिश नहीं करेंगी, अमन कायम नहीं हो सकता। दिस इज माय फाइनल डिसीजन। बस आप अच्छी बातें कर रहे हैं। वाजपेयी साहब सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि सार्क कॉन्फ्रेंस चल के वाजपेयी तक नहीं जा सकती। कराची से दिल्ली तक लोग मार्च कर रहे हैं, अमन मार्च। झूठे हो तुम, हवाई की बात। पैदल मार्च कर रहे हैं। अबे यहाँ मार्च करके दिखाएं, सक्कर से पहले डाकू उठा के ले जाएंगे। वादी मेहरान बस से नहीं क्रॉस कर सकते, कह रहे पैदल मार्च करेंगे। आपसे बात करना फजूल है। देखो मियां अनवर मकसूद, बात यह है कि सब बेकार की बातें। बम उनके पास भी है और बम हमारे पास भी है। बात यह है कि ये अमन वगैरह जो है ना, ये जिस तरह चल रहा है ये इसी तरह चलता रहेगा। अब अगर अमन कायम भी हो गया तो तुम क्या समझते हो कि गुजरात में फसाद ख़त्म हो जाएंगे या बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर हो जाएगी? भाई मेरे, रास्ते खोलने से कुछ नहीं होता, आँखें और दिमाग खोलना चाहिए। फजाई रास्ते बंद होने से हिंदुस्तान को करोड़ों डॉलरों का नुकसान हो रहा है। दिल्ली से लंदन जाने के लिए आधी दुनिया क्रॉस करनी पड़ती है। अरे यहाँ पर लोग मैंने सुना कह रहे हैं कि वो पैदल मार्च करेंगे कराची से दिल्ली। साले घर से दफ्तर तक तो पैदल जा नहीं सकते और कह रहे हैं कि पैदल जाएंगे दिल्ली। छोड़ो यार। देखिए, हम लोग तो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं कि हम कायम हो, दोस्ती का हाथ जो बढ़ाया है उसको मजबूती से पकड़ा जाए। और आप ये भी देखिए कि हमने इस्लामाबाद के चौराहों पर से जो रॉकेट्स के मॉडल थे उनको भी हटा दिया है। हटा नहीं रहे, उन पर सफ़ेद रंग कर रहे हैं और उसके नीचे एक तख्ती लगा रहे हैं, गुजरा वाले की मशहूर कुल्फी। अगर आमन कायम हो गया तो कुल्फी ही रहेगी, और अगर जिस दिन फजा ख़राब हुई तो वो तख्ती हटा के वहीं लिख देंगे शाहीन गौरी। मैं क्या कहूँ, आपसे मिलकर मुझे ना खुशी हुई और ना दुख। बस आप तशरीफ लाए, शुक्रिया बहुत बहुत। अनवर बेटा, एक बात याद रखना, ये अमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर, ये अमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। रहने दो यार। आहा, ओहो।